फ्रेंड्स मेरे ये कल के थोड़ा आलू बचा हुआ था, जो मैंने आलू मैगी पकौड़ा बनाया था तो मैंने इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। तो आज मेरे दोपहर के थोड़े चावल बच गए हैं, तो आज सोची कि मैं इस रेसिपी को भी आपसे शेयर करती हूँ। ये चावल थोड़े से मैं इसमें डालकर इसमें मैश करूंगी। इसमें 1 चम्मच जैसा थोड़ा सा बेसन डालेंगे हम। थोड़ी धनिया पत्ता, थोड़ी प्याज, 1 प्याज लिया था मैंने। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, गरम मसाला स्वाद अनुसार। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे और इसे बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए इस तरह पूरा तैयार कर हो चुका है ये। अब हम छोटे छोटे पकौड़े बना के इसमें जब भी आपके पास चावल बचे तो बच्चे रात में खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसको चावल में आलू मिक्स करके आप छोटे छोटे पकौड़े बना के शाम के नाश्ते के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये तैयार हो चुका है, मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिया बाहर। अब ये इसे खाने के लिए तैयार है। ये सॉस के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए। बरसात का मौसम है, गर्मा गर्म आपके लिए तैयार है। अच्छा लगे तो लाइक करें।